अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी। देश के राजनीतिक भविष्य को लेकर के एक बार फिर हम आपके सामने हैं और आज हम बात करेंगे देश के दिल के भविष्य की। लेकिन देश का दिल तो आपके पास है और हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संत बेतरा अशोक जी। जो देश का जो दिल है और जो आपके पास है, उसका क्या भविष्य है? संत बेतरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हमने कहा कि देश का दिल जो है आपके पास है, तो ये जो आप के पास जो देश का दिल है, जो पहले हमने सोचा था आप तो वैसे ना निकले, आप तो ऐसे थे ही नहीं, फिर ऐसा क्या हो गया कि आपके जो तेवर थे वो अचानक से बदल गए हैं, और क्या भविष्य है आप पार्टी का? देखिए, आपके बारे में मैंने 12 जून 2015 में प्रेडिक्ट कर दिया था। कोई भी ज्योतिषी, अगर कोई पार्टी 70 में से 67 सीट्स लेती है और प्रबल बहुमत के साथ आती है, उसके बारे में वो नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, जो मैंने सोशल मीडिया में 12 जून को कर दिया था। 12 जून की प्रेडिक्शन में मैंने ये साफ साफ लिखा है कि 15 सितंबर से अरविंद केजरीवाल जी का बुरा समय शुरू हो जाता है, यो पूरा 2016 में रहेगा। और वर्तमान में जो आप पोजीशन देख रहे हैं वो बिल्कुल वैसी ही है, क्योंकि उनके देश हित से हटकर, राष्ट्रवाद से हटकर, कई बार वो पार्टी हित या स्वयं हित के लिए जो बयान दे देते हैं वो इतने अशोभनीय और चुभने वाले हैं, जो जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, और जिसके बारे में मैं पहले ही, क्योंकि उनके ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, इस टाइम शनि मंगल का योग और उनकी संकटा योगनी उनसे ऐसी ही कार्य करवाएगी। और आप ये भी पूछना चाहेंगे कि 15-16 में इतना बहुमत जी मिला कैसे, और वो उसको कैरी क्यों नहीं कर पाए? उसका एक मुख्य कारण है, देखिए पार्टी में सब लोगों के जो होते हैं, मुख्य जो उसके जो लोग होते हैं उनके ग्रह काम करते हैं, तो उसमें से मुख्य तो उन्होंने भारी कर दिए, प्रशांत भूषण जी, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, उनके जो गुरु हैं राजनीति गुरु, क्या नाम है उनका, योगेंद्र यादव जी, तो अच्छे अच्छे लोग तो उन्होंने वैसे ही पार कर दिए, तो वो उनका जो उसे क्या बोलते हैं, इसके कारण जो है इस टाइम जो है पार्टी की जो अंदरूनी हालत है और जो हो रहा है पार्टी में, उससे इनकी छवि बहुत खराब होगी। 16-17 सितंबर के बाद 2016-17 इनके लिए ठीक नहीं है, और ये 19 तक चलेगा। ऐसा भी हो सकता है, मैंने ये नेट पे आपके जो भविष्यवाणी की थी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है रिज़ाइन भी कर सकते हैं। ऐसा भी समय आ सकता है आपका 15-16 में ही, मतलब अब तो 2-3 महीने रह गए हैं, बीच में ऐसा भी हो सकता है कि इनको रिज़ाइन भी करना पड़ सकता है। अगर किया तो ये फिर 19 में बहुत प्रबल फाइट देंगे, अदरवाइज अगर नहीं किया उन्होंने, ये चलते रहे तो 27-9 से लेके 27-9 2017 से लेके 27-9 2019 का समय इनके लिए बहुत ही कष्टकारी है, जिसके कारण जो है हो सकता है ये हम तो डूबेंगे, सनम सब आपको सबको लेके डूबेंगे, वैसी वो कहावत चरितार्थ हो सकती है। क्योंकि अब जो है जो समय चल रहा है और जिस तरीके से वो चल रहे हैं, उसमें आस्ता आस्ता पार्टी की छवि जो है खत्म होती जाएगी। तो दर्शकों, संत बेतरा जी जिस तरह से बता रहे हैं कि देश के दिल के भविष्य का आज हम आकलन कर रहे हैं, और जो देश का दिल जो दिल्ली वालों ने आपको दे दिया है, उसका क्या भविष्य होगा? लेकिन ये भी एक हैरानी वाली बात है कि जिस पार्टी को 67 सीटें मिली और उस समय कहा जाने लगा कि AK-47 नहीं बल्कि AK-67 आ गई, तो संत बेतरा जी AK-67 जो जनता ने उन्हें थमाई,
उसका इस्तेमाल वो जनता के विकास के लिए नहीं कर सके, बल्कि वो बयानों के लिए ज़्यादा मशहूर होते जा रहे हैं। ऐसा ये बताइए कि ये जो इस जिस तरह के विवादों में वो फंसते जा रहे हैं, जहाँ से उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की थी, जहाँ से उन्होंने देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने दिखाए थे, एक आंदोलन खड़ा हो गया था, अन्ना जैसे समाजसेवी उनके आंदोलन से जुड़ गए थे, और जिस तरह से देश में एक लहर दौड़ गई थी कि मैं भी हूँ अन्ना, मैं भी हूँ अन्ना, मैं आप, और इस तरह के बहुत सारे जुमले, इस तरह के बहुत से नारेबाजी हुई थी, और देश ने, देश की जो राजधानी है, उन्होंने भारी बहुमत से इस पार्टी को विजयी बनाया। लेकिन क्या आपने ऐसी क्या ग्रही स्थितियाँ देखी कि 67 सीटें मिलने के बाद भी आपने तुरंत ये कहने में देर नहीं लगाई कि आप का ये भविष्य होगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है 2016-17 के बीच में? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के जो गुरु हैं अन्ना हजारे, जो उनको यहाँ तक लाए, उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति विशेष से शत्रुता नहीं बताई। आप राजनीति में अगर किसी से शत्रुता दिखा के अगर एक्ट करते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। संवेद्रा जी, ये बताइए कि जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, उसके ग्रहण, उसका कारण है कि अगर आप देखेंगे तो अब तो एक मीडिया में जो है ये एक मजाक का विषय बन गया कि अगर वो बोलेंगे तो मोदी के बारे में ही के अगेंस्ट ही बोलेंगे, अदरवाइज कोई ढंग की बात बोलते नहीं, बोलेंगे तो अगेंस्ट ही बोलेंगे। तो वो जो शत्रुता है अंदर जो उन्होंने बना ली है, वो ही उनकी पतन का कारण है। जबकि संबित्रा जी, ये भी देखा जाता है कि जब आप पार्टी बनी नहीं थी और ये जो आंदोलन था भ्रष्टाचार मुक्त और जन लोकपाल का, इसको सबसे पहले समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया था, और कांग्रेस इसके बिल्कुल खिलाफ थी। और एक डिस्कशन, टेलीविजन डिस्कशन के दौरान इनके एक बहुत बड़े नेता ने कहा था कि अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़ के दिखाएं, और ये चुनाव लड़े और जनता ने भी अपनी ताकत दिखा दी कि हाँ, हम जिसे चाहें उसे राजा बना सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनको दी गई, इतने महत्वपूर्ण आंदोलन से इन्होंने इसकी शुरुआत की, और आप देख रहे हैं कि इसका पतन होते देख रहे हैं। आप क्या देखते हैं, आप पार्टी का भविष्य आगे आने वाले सालों में क्या होगा? देखिए, मैंने अभी आपको जो बताया है वो यही बताया है कि आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी, पार्टी का नाम ले लिया है। मैं पार्टी विशेष से नहीं हूँ, मेरा पार्टी में कहीं कुछ दूर दूर तक लेना देना नहीं है, मेरे लिए सब बराबर हैं। भविष्य वक्ता हूँ, हर एक के लिए भविष्य करता हूँ। कांग्रेस के लिए किया था जब कांग्रेस 4 और 9 में आई थी, उसके बाद भाजपा के लिए किया तो भाजपा सत्ता में आई, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया। तो मैं अभी जो समझा रहा था वही बता रहा था कि ऑब्जेक्टिव, भारतीय जनता पार्टी का ऑब्जेक्टिव इस टाइम क्या है, सबका विकास सबके साथ। तो आरक्षण या आपका इसे क्या बोलते हैं इसको जो है इसे क्या, जिसके अगेंस्ट ये लड़े हैं, भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जरा भी संकुचित नहीं हुई कि भैया हमको इनका साथ नहीं देना। उन्होंने आके इनके साथ दृढ़ता से साथ दिया। और मेरे ख्याल से अन्ना का जो मूवमेंट था दिल्ली में, उसमें 90% जो सेवा वाला काम था वो आरएसएस ने किया। तो आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसका किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, वो देश हित में काम करती है। ये तो इससे तो सब सहमत है, सिर्फ वो सेकुलर टाइप के जो लोग हैं उनको छोड़ के, जो मतलब नेगेटिव सेकुलर हैं, पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिव सेकुलर तो हर एक के साथ है, सिर्फ नेगेटिव वोट बैंक के चक्कर में जो हैं वो लोग तो कहते हैं, अदरवाइज आप देखिएगा उन्होंने कितना सहयोग दिया। पॉजिटिव थॉट के साथ अगर ये आगे बढ़ते, इन्होंने अपनी स्टार्टिंग इनकी गलत है, पहला दिन ही गलत था। संवेद्रा जी, हम ये संस्थापक थे पार्टी के, संस्थापक जिनकी फंडिंग सबसे ज्यादा हाईएस्ट थी। संवेद्रा जी, मैं आपको थोड़ा सा इसलिए रोकना चाहूंगा, मैं ये जानना चाह रहे हैं, दर्शकों को ये इस बात को जानने की उत्सुकता बहुत ज्यादा है कि ये जो हुआ ये तो राजनीतिक विश्लेषण हो जाएगा, हम राजनीतिक विश्लेषण में ना जा करके हम ये जानना चाहेंगे कि एक पार्टी, एक व्यक्ति जो एक समय आम आदमी था और एक समय आकर के वो इतना खास हो गया
कि आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मुद्दे उठते हैं उनके बारे में भी बयान देते हैं, देश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में भी मतलब वो आलोचना ही करते रहते हैं। आखिर वो ग्रही स्थितियाँ क्या थीं उनकी कि अचानक से वो इतना आगे बढ़े और अब फिर उनका डाउनफॉल शुरू हो गया? वो शनि मंगल का जो योग इस टाइम चल रहा है उसके कारण वो जो भी मुँह से बोलेंगे वो उसका प्रभाव उनको नेगेटिव मिलेगा। और क्योंकि आप पार्टी जो है ना वो एक व्यक्ति विशेष पार्टी है, अगर देखेंगे तो केजरीवाल अब ही सब करता धरता है उसके, कोई और दूसरा सेकंड रो में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको वो प्रोजेक्ट करें। तो व्यक्ति विशेष की जब पार्टी होती है और वो जब वक्ता खुद ही वक्ता हो जाता और वो उसकी ग्रह ठीक ना हो और बोले अगर गलत तो वो देश का सत्यानाश उस पार्टी का सत्यानाश करता ही करता। यानी शनि और मंगल की वजह से आप ऐसा मान रहे हैं? बिल्कुल, वो जो भी करेंगे बोलेंगे जी उसका प्रभाव उनके बिल्कुल अगेंस्ट रहेगा। जी दर्शकों, तो देखा कि जो आपने जो आप पार्टी है उसका जो भविष्य है वो शनि और मंगल के हाथ में, ऐसा संबेत्रा जी का कहना है। और संबेत्रा जी किसी पार्टी विशेष के नहीं है और आपने देखा भी होगा कि वो सभी दलों के बारे में इस तरह के राजनीतिक भविष्यवाणियां करते आ रहे हैं। संबेत्रा जी, आपने ये कहा है कि अगर वो रिज़ाइन दे देते हैं, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं अभी, तो 2019 में वो बहुत तगड़ी फाइट देने वाले हैं। उसके ज्योतिषी समीकरण आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि उनको फिर वाणी को थोड़ा सा शांति देनी पड़ेगी। अब भी अगर वो वाणी को अपने कंट्रोल में रखें तो उतना नुकसान ना हो। इस टाइम जो ग्रह दशा है वो सारा कुछ वाणी का है। आप देखिएगा, माननीय मोदी जी के मुंह से कोई नेगेटिव चीज़ नहीं निकलती है किसी के लिए। आप जितना मर्जी चला लीजिएगा उनके अगेंस्ट, जितना मर्जी उनके उसमें आप विरोध में बोलिएगा, लेकिन वो जवाब तक नहीं देते। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विपक्ष के लिए कि उनकी बात का जो वो चिल्लाते हैं, भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, उनका उनको जवाब नहीं मिलता। और जो इसी उसमें जो है वो अपना सत्यानाश लोग कर रहे हैं गलत बोल बोल के। संबेत्रा जी, वाणी दोष के लिए तो बुध भी एक ग्रह है जो जिम्मेदार होता है। हाँ, वाणी दोष के लिए बुध भी है, पर बुद्धि को जो भ्रमित करता है वो बुध है। बुध बुद्धि को भ्रमित करता है और फिर मुंह से जो निकलवाता है वो शनि और मंगल, अगर दोनों अगर मुख स्थान में बैठे हों तो अंगारे ही निकलते हैं। और उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान तो जिस मुँह से निकलते हैं उस मुँह को ही होगा ना। संबेत्रा जी, आप पार्टी के का जो भविष्य आप देख रहे हैं और जो आकलन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से संबेत्रा अशोक जी बता रहे थे कि जो आप पार्टी है जिसको देश की जो राजधानी है दिल्ली के मतदाताओं ने उनको भारी बहुमत से विजयी बनाया था, लेकिन 67 सीटें लेने के बाद भी आज उनकी ये स्थिति हो गई है। और संबेत्रा जी पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर चुके थे जून 2015 में ही कि आप पार्टी का जो पतन है वो शुरू हो जाएगा, और इस समय क्या है ये आप देख ही रहे हैं। तो देश के ऐसे ही राजनीतिक भविष्य को लेकर के हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, संबेत्रा जी हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आपके मन में भी किसी भी राजनीतिक भविष्य या किसी और विशेष विषय पर आप भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है akhandmanthan@gmail.com। आप इस पर अपने पसंद के विषय जिस पर कि आप उसका भविष्य जानना चाहते हैं हमें मेल कर सकते हैं और हम आपके जो भी विषय हैं उसको देख करके हम संबेत्रा जी से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे देश का भविष्य। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अखंड मंथन देखते रहिए और अखंड मंथन को लोकप्रिय बनाइए। अखंड मंथन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।